एटक का 101वां स्थापना दिवस यूनियन के केंद्रीय कार्यालय भुरकुंडा में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कॉमरेड रविंद्र कुमार और विशिष्ट अतिथि कॉमरेड अशोक यादव उपस्थित थे। इस मौके पर एटक का इतिहास और आगे का संघर्ष पर चर्चा की गई। इस स्थापना समारोह में पिपरवार क्षेत्र के अशोक परियोजना से अरविंद शर्मा, धनेश्वर गंझू, रहमतुल्ला राजकुमार, रामनाथ महतो, एजाज असलम, बंटी मोदी, सेवक गंझू, जुगनू, सीतू भुइया, राजेश गंझू समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। आप पर हमले हो रहे हैं, हमारे साथियों ने कहा कि वे लड़ाई क्यों नहीं हो रही है, उसका कारण है पूंजीपतियों ने हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। जब एक संगठन था देश में AITC, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां हुई, मजदूर लड़ा, हमने अंग्रेजों को देश से बाहर किया। आज मजदूर आंदोलन टुकड़े टुकड़े बटा हुआ है और जिसका फायदा पूंजीपति साम्राज्यवादी उठा रहा है, मालिक। इसलिए पहला तो है ट्रेड यूनियन को एक करो, ट्रेड यूनियन एकता, कोई हमको नहीं पटक सकता है। इसे लोग कहते हैं प्रोफेसर बोल रही होगी लड़ाई की नहीं होगी, है ये तक ये किसी राजनीतिक पार्टी से इसका संबंध नहीं है। मेरी बात बुझे आप, किसी भी राजनीतिक पार्टी का यह ब्रांच नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से इसका संबंध नहीं है, है? नॉट अफिलिएशन। और इसीलिए आज आप सुने होंगे, अभी देखे अभी होंगे, करना चाहते हो AITC में आओ। खनी लाल झंडा वाले AITC वाले आपके हक का भी अधिकार की हिफाजत कर सकते हैं, हमें शोषण के खिलाफ लड़ सकते हैं, हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। मैं ये कहानी नहीं सुनाने जा रहा हूं कि इस फील्ड में क्या क्या हो, कोयला मजदूर हो चाहे उस कोयला में खदान में काम करने वाला ठेकेदारी मजदूर, कोई दूसरे यूनियन को यह कोई दूसरी यूनियन दावा नहीं, संगठन दावा नहीं कर सकता है कि वह ठेकेदारी मजदूरों के लिए आवाज भी उठाई हो। अगर कोई आवाज उठाया है लाल झंडा AITC, जेल गया है तो AITC, लड़ रहा है तो AITC, लड़ेगा तो AITC। और आज तो जमाना उल्टा हो गया मित्रों, अपने संगठन को मजबूत करो, संगठन को मजबूत करो और तेजी से आगे बढ़ो। आने वाले दिन संकट के दिन है, संदेह के दिन नहीं है, आने वाले दिन संकट के दिन है। जो मिल रहा है वो छीन लेगा, इसलिए लड़ाई की तैयारी करो। और मुझे उम्मीद है कि जब हम एक हो जाएंगे तो जो भी हम पर हमला करेगा उस पर हम उसको हम परास्त करेंगे और मजदूरों की विजय होगी। जय हिंद, नमस्ते, थैंक यू।